अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हाँ आ जाओ पाटीदार जी, लाइट लाइट आप चार नहीं, हम तो 7 दिन से वाच कर रहे हैं इसको और आज फिर हमारे पास इतना कुछ नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा लीगल कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ले 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 रोहित निकाल ले आगे, रोहित आगे निकाल ले, नहीं चालू करवा दो आगे निकाल, बस बस रुको, हाँ ले लो यार, लेंगे ना चलो ले लो बाइक, ठीक है। क्या पार्टी, क्या मजा तुमको दिखे नहीं, चलो तो मैं जाऊँ इधर। भाई साहब, ये यहाँ पर कविट कॉलोनी है और इस जगह पर क्या है कि यहाँ अवैध चमड़ा गाड़ियों में ट्रक में लोड हो रहा है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोड हो रहा है और जब यहाँ पर परमिशन नहीं है नगर निगम की या किसी की परमिशन से नहीं हो रहा है तो फिर इतना अवैध चमड़ा आया कहाँ से। और इस विषय में हमें जैसे सूचना मिली हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं, हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो जिससे ऐसा जो व्यापार है जिसमें गायों के जिनका गायों के साथ अत्याचार जो होता है इन सब पे रोक लगी है। भैया आसपास भाई साहब दिख रहा है गाय के कोठे भी हैं और कई गायें बंधी हुई भी हैं, क्या लगता है? एक कोठे जो पालने वाले होते हैं वो तो कोई समस्या नहीं है और जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं उससे समस्या है। हमें अभी पुलिस प्रशासन से पूछा, आपकी क्या कुछ चर्चा हुई है? प्रशासन से ये चर्चा हुई है कि इस पे कठोर कार्रवाई करी जाए और उसको मुख्य जो इसके बड़े व्यापारी हैं जो यहाँ पर देवास में हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसको पूरा संज्ञान लिया जाए, गाय माता और सब पे कार्रवाई करी जाए। गाय माता का जो चमड़ा है कुंटलों से रखा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है और अवैध तरीके से किस रूप में से इसको सुचारू रूप से काम चल रहा है उसको बंद कराने के लिए हमने गाड़ी भी बाहर की लग रही। भाई साहब क्या लगता है, बाहर जा रहा है चमड़ा? बाहर ही जा रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से कई लोड होकर बाहर ही जा रहा होगा। आपका परिचय भाई साहब? सलेंद्र सिंह पवार, संस्था राम राम। सर बताएं, एक जो घटना हुई है अभी, एक ट्रक पकड़ा है जिसमें कई व्हाइट चमड़ा है और कई ब्लैक है, तो किस चीज़ का मान सकते हैं उसको और कहाँ पकड़ाया गया? थाना लाल दरवाजा क्षेत्र की घटना है जी, गरीब नवाज कॉलोनी में आरसी नगर जी। यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी महोदय यहाँ मौके पर अपने बल के साथ पहुँचे हैं और जो ट्रक है उसे अभिरक्षा में लिया, उसे उसका जो उसमें
मटेरियल उसका परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ पत्रे के शेड में कई ऐसी जगह है जहाँ ऐसे मतलब कृत्य होते हैं, पशु ही बंधे हुए हैं सर वहाँ जा रही है, इस संबंध में तस्दीक की जाएगी और अगर कोई अवैधानिक कार्रवाई यहाँ होती है तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, एक बड़ा ट्रक भर के यहाँ से मटेरियल बाहर जा रहा था सर, और वो तो एक परीक्षण पश्चात इसके बारे में आगे कुछ कहा जा सकता है कि वो मटेरियल किस जानवर का था, तो परीक्षण पश्चात ही कोई आगे स्टेटमेंट दिया सकता है। क्या सर यहाँ पे किसी के पास लाइसेंस है इसका, इस संबंध में तस्दीक की जाएगी। थैंक यू।